على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه हुलाको सलाम उस आका पर दिल्ला को जिसने जोड़ दिए दुनिया को दिया पैगाम सुकून इंसानों के रुख मोड़ दिए उस मोहसिन आलम ने इलियास क्या क्या न दिया इंसानों को दस्तूर दिया मंशूर दिया कई राहें दी कई मोड़ दिए और जुबां पर जब भी जिक्र ताजदार आए तो लाजिम है कि जिक्र चार यार आए अबू बकरो हमारो आसमान हैदर बावफा जब हो तो क्यों कर न बागे मुस्तफा में फिर बहार आए। मेरे लिए इंतहाई सआदत कि आज के इस अजीम तरीन इज्तमा में मुझ नाकारा से कुछ कहने के लिए हजरत मौलाना मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब अमीनी मोहतमिम और नाजिम दारुल उलूम नवेडा मदरसा अमिया दारुलूम नवेडा जो अनवारुल उलूम के सरपरस्त भी हैं वहां से तशरीफ लाए और बेहतरीन नजामत फरमा रहे हैं और इंतहाई सआदत है आप हजरात के लिए कि आप हजरात आज उस हक उस सच्चे नबी और पक्के इमाम हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली के उस उस्ताज और मुदर्रिस हजरत नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम से मंसूब इस इज्तमा में बहुत संजीदगी के साथ खिताब समाअत फरमा रहे हैं। चंद मिनटों में अपनी बात कहकर रुख्सत हो जाऊंगा। शर्त यह है कि हम सब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब इस इज्तमा की कद्र कर लें, बड़ी आजमत के साथ बैठें, ऐसे जैसे कि सहाबा नबी की तकरीर सुनते थे। अब नबी तशरीफ लेकर चले गए, हजरत आदम आए चले गए, हजरत नूह तशरीफ लाए चले गए, हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए चले गए, हजरत इस्माइल तशरीफ लाए वो भी पर्दा फरमा चुके, हजरत ईसा मसीहुल्लाह तशरीफ लाए वो आसमान पर उठा लिए गए, अखीर में हम सब के आका हम सब के इमाम अहमद मुश्तबा साहिब लौलाक हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे फानी में तशरीफ लाए वो भी इस दुनिया से रुख्सत करके अपनी कब्र अतहर में आराम फरमा रहे हैं। आज आज उसी नबी से मंसूब ये इज्तमा है, उसी नबी से जुड़ा हुआ ये जलसा है। अगर हमने ऐसे जलसों की कद्र की यकीन जानो कि अल्लाह अल्लाह हम पर मेहरबान हो जाएगा। और याद रखिए और गड़ी गदाना के मुसलमानों और यहाँ के बसने वाले सारे इंसानों अगर तुमने अल्लाह की नेमतों की ना शुक्री की तो अल्लाह अजाब देने पर जब आ जाए तो दुनिया के बड़े बड़े बादशाह उस अजाब को नहीं रोक सकता। अल्लाह चाहे तो जलजला दे दे, अल्लाह चाहे तो आसमान से पानी बरसा दे, अल्लाह चाहे तो पहाड़ों को तहो बाला कर दे। मैं नहीं कहता, कुरान ही से पूछो इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा وأخرجت الأرض أثقالها جب زمین پر زلزلہ آ جائے اور زمین اپنے تمام بوجھل کو اٹھا کر پھینک ڈالے ارے کون ہے وہ اللہ کون ہے وہ خالق جو زلزلہ دیتا ہے وہ اللہ ہے قرآن اسی کو دوسرے مقام پر بیان کر رہا ہے قل هو اللہ احد اے نبی بتا دیجئے کہ ملک کا بادشاہ تنہا نظام چلاتا ہے سورج روشنی دیتا ہے وہ اللہ کی طاقت زمین غلے اگاتی ہے وہ اللہ کی قدرت اور چاند
ईमान अपनी चमक पेश करता है। वो अल्लाह की कुदरत, तुम और हम जो बैठे हो ये अल्लाह का निजाम है। और कुरान आगे कहता है अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी मशवरे की जरूरत कतई नहीं है, वो तन्हा निजाम चलाता है। बादशाह आएंगे मर जाएंगे, फिरौन आया मर गया, कारून आया खत्म हो गया, शद्दाद आया वो खत्म हो गया, रुस्तम और सोहराब आए वो खत्म हो गए, बड़े बड़े पहलवान आए जमी बोस हो गए। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुरान कहता है अरे मिट्टी, तुझसे मैंने इंसानों को पैदा किया है और इसी मिट्टी में जमी बोस होना है। आज से 4-5 साल पहले एक हमारा सफर हुआ पंजाब का, वहाँ एक अजीम तरीन इज्तमा था। वहाँ लोगों ने बताया मौलाना यहाँ एक जगह है जिसका नाम है सरहिंद शरीफ, वहाँ हजरत मुजद्दिद अल्फसानी जो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं वो आराम फरमा रहे हैं। उन्हीं के बगल में पता चला कि 9 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूर एक मकाम है जिसका नाम बरास है, वहाँ 9 नबियों की कब्रें हैं। हम वहाँ चले गए उनकी कब्र मुबारक पर फातिहा पढ़ने के लिए। हमने कहा ये नबी कब से यहाँ आराम कर रहे हैं? किसी ने कहा कि 900 साल हो गए, 800 साल हो गए या कितने 100 साल हो गए। हजरत नबी करीम को पर्दा फरमाए हुए 1500 साल हो गए, उनसे पहले जाहिर है कि वो नबी तशरीफ लाए होंगे धरती पर। हजारों नबी तशरीफ लाए, 1,24,000 अंबिया आए, सबको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। इसी जमीन पर हजारों मखलूक आई, सबको अल्लाह ने बुला लिया। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब का कुरान कहता है इंसानों, तुम्हें जमीन से पैदा किया गया है, चाहे वो गदाने का नौजवान हो, चाहे वो गड़ी का बूढ़ा हो, चाहे यहाँ की औरतें हों, चाहे यहाँ के बच्चे हों, चाहे यहाँ के जवान हों, इसी जमीन से बनाया गया और इसी में दफन कर दिए जाओगे। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और मैदान महशर में एक चीख होगी, एक आवाज लगाई जाएगी, ए कब्र में सोने वाले सब के सब खड़े हो जाओ। सारे मुर्दे खड़े होकर मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जो हम सब की माँ है, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया जब मैदान महशर में लोग कब्रों से जमा होंगे तो नंगे होंगे। हुजूर ने फरमाया, हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह नंगे होंगे तो लोग एक दूसरे को नहीं देखेंगे? नबी मोहतरम ने फरमाया आयशा कहाँ देखने का मौका होगा, कहाँ फुर्सत मिलेगी, हर इंसान नफसी नफसी में होगा। बादशाह भी परेशान, जवान भी परेशान, बूढ़े भी परेशान, बच्चे भी परेशान। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लइन शकरतुम, कुरान की आयत पढ़कर बताई कि जो मुसलमान अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करता है अल्लाह उनकी नेमतों को बढ़ा देता है। और याद रखो इस बस्ती में बसने वाले लोगों, यहाँ उलमा की आमद हुई, यहाँ अहलुल्लाह तशरीफ लाए, यहाँ दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस मौलाना मुजम्मिल तशरीफ लाए, यहाँ जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के कायद हजरत मौलाना मुस्लिम साहब जलवा अफरोज हुए, यहाँ हजरत मौलाना मुस्तकीम साहब तशरीफ फरमाए, इन उलमा की आमद और यहाँ की बस्ती के लोग अपने घरों में आराम करें, ये नाशुक्री नहीं तो और क्या हो सकता है। अरे नबी अपनी में चले गए, अल्लाह की कसम अंबिया की विरासत को कोई संभालते हैं तो ये उलमा हैं। ये कुरान हम तक पहुंच रहा है, ये उलमा का सदका, ये जनाजे हम पढ़ रहे हैं, ये उलमा का सदका, निकाह हम पढ़ रहे हैं, ये उलमा का सदका, ये दाढ़ी उलमा का सदका, ये टोपी उलमा का सदका, ये कुरान की आवाज गली गली चौराहे चौराहे गली गली गोश्ती है, ये उलमा का सदका है। उलमा ना हो तो कसम है रब्बे काबा की ये मदारिस ना हो, ये मस्जिद आबाद ना हो। आज से 4-5
साल पहले एक मकाम पर मेरा जाना हुआ, मेरे साथ जनाब ओंकारानंद जी सरस्वती महाराज, हिंदू गुरु बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े। हम एक बात बता देते हैं आपको, बीच में चलते चलते मैं किसी खौफ से नहीं कहता, किसी डर से नहीं कहता, उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हुआ चलूं। हजरत नबी करीम अलैहि सल्लतु वस्सलाम के दस्तरखान पर काले, गोरे, अरबी, आजमी, मशरिकी, मगरिबी सारे खाना खाते थे। एक मौके की कहानी सुन लीजिए, तुम्हारा ईमान भी ताजा हो जाएगा, उलमा के ईमान भी ताजा हो जाएंगे, मोहम्मद अयास का कल्ब भी जिंदा और जावेद हो जाएगा। यहाँ फतेहपुरी मस्जिद के बहुत बड़े मदर्रिस हजरत मौलाना अबरार साहब तशरीफ फरमाए, इनका भी ईमान जाग जाएगा। हजरत ने फरमाया, हजरत नबी करीम मोहम्मद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा व ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुद्दसर, मेरे मुस्तफा उठें आसमानों को बुलंदी, मेरे मुस्तफा बैठें धरती को सुकून। आप अपने जुल्फों को लहराएं, रात अंधेरों की भीख मांगने लगे, आप पेशानी को चमकाएं, सुबह सवेरा की भीख। ए बच्चे बैठ जाओ, ये तो पीछे चले जाओ। रात अंधेरों की भीख मांगती है, नबी का सदका है। अरे कंबल ओढ़े कोई बादशाह तो कुरान कभी ना कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, कसम है रब्बे काबा की, मदीने में आराम फरमाने वाले आका अगर कंबल ओढ़ते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। और मदीने में आराम फरमाने वाले हम सब के आका अगर चादर ओढ़ते हैं, कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दसिर। आपको खुशी हो जाती है, जन्नत जन्नत मचलने लगती है, और नबी को गुस्सा आ जाए तो जहन्नम उबलने लगे। वो मुस्तफा की एक बात सुना दूं, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। एक पहाड़ के किनारे हजरत तशरीफ फरमाए, जलवा अफरोज हैं, सहाबा दाएं बाएं, अबू बकर उमर उस्मान अली बिलाल हबशी दाएं बाएं। हजरत सहाबा को नबी से क्या इश्क था वो भी सुन लो। नबी का बलगम गिरता था, सहाबा उठाकर अपने चेहरे पर मलते थे, नबी का थूक गिरता था, सहाबा उसको चेहरे पर मलते थे। मैं बहुत चैलेंज के साथ आपके सामने ऐलान करके जाता हूं, है कोई बादशाह धरती पर तो मुझे बता दो कि उसका बलगम गिरे, उसके चाहने वाले उसको चेहरे पर मले। नहीं दिखा सकते तारीख में, सहाबा 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 अबू बकर उमर उस्मान अली की का ये इश्क था नबी से। मोहम्मद मुस्तफा का बलगम गिरता था, सहाबा जमीन पर गिरने न देते, अपने चेहरे पर मलते, हाथों पर मलते थे। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम जंगल में पड़ाव डाले हुए हैं किनारे में, सहाबा दाएं बाएं खड़े बैठे हैं। एक बकरी चुगाने वाला चरवाहा करीब आया, उसने देखा ये कौन है जिसके गुलाम दाएं बाएं बैठे हैं। बकरी चुगाने वाले चरवाहे ने कहा, ए सहाबी जरा ए मेरे भाई इधर आ, ये बता ये कौन है जिसके गुलाम दाएं बाएं हैं। सहाबी रसूल अलैहि सलाम पर कुर्बान जाओ, फरमाया तुम्हें पता नहीं, ये वही आमना का दुलारा है, ये वही अब्दुल्लाह का प्यारा है जो चलता है, फरिश्ते उसके सामने आकर सलाम करते हैं। अरे कोई है माई का लाल जो चले तो पेड़ पौधे कहे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अरे पेड़ झुक झुक कर जुड़े सलाम करें। समंदरों की मछलियां कहती हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हम और तुम कहते हैं जिनके कदमों में आकर जिब्राइल वही लेकर तशरीफ लाते थे वो नबी मोहतरम हैं। हजरत नबी करीम के सहाबी को एक चरवाहे ने बुलाया, भाई ये कौन है जिसके गुलाम दाएं बाएं हैं। चरवाहे ने पूछा ये कौन है, हजरत नबी के सहाबी ने फरमाया तुम्हें पता नहीं, ये नबी ये महतरम है। चरवाहे ने कहा मुझे इस नबी से मिलना है, मुलाकात करनी है। चरवाहे से सहाबी ने कहा अच्छा जरा पूछ कर आता हूँ। चरवाहे के बात सुनकर सहाबी आए, अल्लाह के रसूल एक चरवाहा बकरी चुगाने वाला आपसे मिलना चाहता है। सुनो मुसलमानों, सुनो गढ़ी के लोगों, क्या सर्फ था, क्या अखलाक था, क्या सीरत थी नबी महतरम की। आज के हम दो टके के मुसलमान जरा सा प्लाट खरीद लिया, सलाम करना गवारा नहीं, एक गाड़ी ले ली, किसी गरीब को अपनी
कदम पर बिठाने का मौका नहीं है, मौलवी आ जाए सलाम का मौका नहीं है, चंदे वाले आ जाए गालियां बरसते हो, अरे मुस्तफा पर कुर्बान हो जाओ। फरमाया सहाबी से कौन मिलना चाहता है? सहाबी रसूल ने फरमाया अल्लाह के रसूल चरवाहा है, बकरी चुगाने वाला। हुजूर ने फरमाया अच्छा चरवाहा मिलना चाहता है, जाओ कह दो चरवाहे से कि अभी मोहम्मद मुलाकात करेगा। वो सहाबी गए, ऐ बकरी चुगाने वाले चरवाहे क्या नबी से मिलना है? चरवाहे ने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े इमाम हमसे अभी मुलाकात करेंगे। चरवाहे के कानों में जब ये आवाज आई कि नबी अभी मिलना चाहते हैं, चरवाहे फूले न समाए, चरवाहा हैरान हो गया। चरवाहा आया हुजूर की खिदमत में, वो दूर खड़ा है चरवाहा। चरवाहे ने सोचा शायद नबी हमें करीब न बुलाएंगे। हुजूर ने फरमाया आओ चरवाहे को मेरे करीब करो। वो चरवाहा और करीब आया, फरमाया चरवाहे और करीब आ। एक तरफ आसमान का दुलारा, एक तरफ जन्नत का इमाम, एक तरफ हसन और हुसैन के नाना, एक तरफ हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक के इमाम, एक तरफ जन्नतुल बकी के शहंशाह, एक तरफ सारी कायनात के बादशाह और दूसरी तरफ एक चरवाहा। चरवाहे की क्या हैसियत है जरा बताओ तो सही। आज भी बकरी चुगाने वाले चरवाहे को कोई सलाम नहीं करता, अरे मियां बकरी चुगाने वाला चरवाहा है, अरे मियां ये है वो है। आप ऊपर बैठ जाइए। मौलाना जब तक मेरी बात हो तवज्जो से सुनो, वरना जो नुजूल समा है जहन में वो सब खत्म हो जाएगा। तवज्जो दोगे तो बात समझ में आएगी, वरना मैं तो मुझे दूसरे जलसे में जाना है, मैं उठकर भाग जाऊंगा। बिल्कुल तवज्जो से सुनो, बात समझ में आएगी, वरना वो तो खत्म हो जाएगा जो मेरे दिमाग में आ रहा है। इस फोन ने भी 50 बार परेशान कर दिया। हजरत नबी करीम सब जरा एक बार पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा दरूद पाक पढ़कर अपनी जुबान को पाक कर लो। कम से कम मजमे में बैठने का की कबूलियत की दौलत से अल्लाह हमें माला माल फरमा देगा। चरवाहे ने सोचा भी न था कि ये वही हसीन चेहरा, वही जमील चेहरा, ये आसमान और जमीन के मालिक के बादशाह हमसे मुलाकात कर लेंगे। हुजूर ने फरमाया चरवाहे को करीब बुला, चरवाहा दूर भाग रहा है, करीब आना नहीं चाहता। हुजूर ने फरमाया आ चरवाहा करीब आ। अरे कौन माई का लाल बादशाह होगा जो चरवाहे को करीब बुलाएगा? अगर ये जिगर किसी में है तो आमना के दुलारे, वो अब्दुल्ला के प्यारे, वो शहंशाह बता, वो गुम्बदे खजरा के मकीनो मका, वो हम सब के आका है कमाल रुतबे मुस्तफा, बलगल उला भी कमाली ही, ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा भी जमाली ही, किसी एक अदा की तो बात किया, हसनत जमी हो खिसाली ही, वो खुदा का जिसने पता दिया, 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 सल्लू अलैहि व आलिहि। अल्लाह का कुरान अगर धरती पर लाए तो नबी मोहतरम है, हदीस आई मुस्तफा का सदका है, अबू बकर उमर आए वो नबी का सदका है, इमाम अबू हनीफा आए वो नबी का सदका है, मौलाना अहमद रजा तशरीफ लाए वो नबी का सदका है, हजरत मदनी तशरीफ लाए वो नबी का सदका है। मैं बहुत बबांगे दहल और वसूख के साथ कहता हूं ये जलसा सजा ये मोहम्मद मुस्तफा का सदका है। अगर नबी तशरीफ न लाते तो ये जमीन न बनाई जाती, ये कायनात न बनाए जाते, ये बर्को, ये रंग, ये लाइटें, ये बेहतरीन बिजली, ये चेहरे, ये मुस्कुराहटें न आती। मैं नहीं कहता, कुरान भी कहता है और खुद फरमाते हैं लौला कलमा खलकतुल अफलाह, फरमाया अगर मुस्तफा तशरीफ न लाते तो जमीन का जर्रा जर्रा न बनाया जाता। हजरत नबी करीम अलैहि सलाम के करीब चरवाहा आ गया, हुजूर ने फरमाया आ जरा करीब आ, एक बार नारा लगा दो, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुस्लिम कासमी साहब, हजरत मौलाना मुस्लिम कासमी सदर जमीयत उलमा दिल्ली तशरीफ लाए हैं, इंतहाई सआदत है आपकी बस्ती वालों के लिए। बहुत लोग इंतजार में खड़े होते हैं कि हजरत हमारी बस्ती में तशरीफ लाएं। जमीयत उलमा सूबा दिल्ली, वो जमीयत
पहले वो बात बता दो जो बात बता रहा था वो अधूरी रह जाएगी। हजरत नबी करीम ने चरवाहे को करीब बुलाया, चरवाहा आया, हुजूर ने फरमाया दूर न खड़ा हा, अरे हा चरवाहा। हुजूर ने अपनी रान उस चरवाहे के रान के करीब मिलाई। अब जरा मुसलमानों ये तो बताओ, जिसकी रान नबी की रान से मिल जाए, जिसका बदन नबी के बदन से मिल जाए, उसका ईमान का क्या हाल होगा? अरे हमने नबी को न देखा, आज भी हम नबी पर जीते और मरते हैं। कोई नबी पर गुस्ताखी करने लगे, आप कहोगे कौन है जो नबी पर गुस्ताखी करता है? अरे जिसकी रान, जिसका बदन नबी के बदन से मस हो जाए, टच हो जाए, उसके ईमान का क्या हाल होगा? मुसलमानों, चरवाहे ने कहा मोहम्मद मुस्तफा, अब तो आप मुझे अपना ही दीवाना बना लो, आपके अखलाक ने मुझे गर्वीदा बना लिया। फरमाया मोहम्मद मुस्तफा ने, पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे मोहम्मद मुस्तफा के अखलाक तो पैदा करो, अरे उसकी सीरत तो लाओ। आज उलमा तुम्हारी बस्ती में आ गए, ये उलमा जिनकी तारीखें लेने के लिए कारी रमजान ने कितनी काविशें की होंगी, लेकिन हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी, हम अपने महलों में सोते हैं। अरे सो सो कर मर जाओगे, अल्लाह की कसम नाकदरी करोगे। आज ये तुर्की में अजाब आया, 38,000 इंसान मर गए, तहो बालक कर दिए गए, उन्हें पता भी ना था कि हमारी मौत आ जाएगी। अरे बड़े बड़े बिल्डिंगों में सोने वालों, जब रब को गुस्सा आएगा तो कसम खुदा की जलजले दे देगा। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी अजाब, कभी महंगाई, ये दूध जिसकी कीमत 2 आने हुआ करती थी, आज 60 रुपए किलो क्यों हुआ? हुकूमत को दोष न दो, हुकूमत की कोई गलती नहीं है। जब इंसान खताएं करता है, जब ज़िना करता है, शराब पीता है, अपने बाप को मारता है, अपनी माओ को रौंदता है, अपने बड़ों को सलाम नहीं करता, अल्लाह महंगाई पैदा कर देता है, अल्लाह का जलाल जोश में आ जाता है, उसका गज़ब जोश में आ जाता है, फिर सुकून भी खत्म, चैन भी खत्म, इत्मीनान भी खत्म। याद रखो, आज से तौबा करो, इंशाअल्लाह जब हमारी बस्ती में उलमा आएंगे, हम सब के सब घर से निकलेंगे, उनका एहतराम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी शहादत और खुशी हुई आप हजरात के चेहरों को देखकर कि माशाअल्लाह जलसा बड़ा कामयाब। बड़ी तवज्जो से आप लोग सुन रहे हो। मैं 3 बात बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम की एक आखिरी बात बताकर ख़त्म कर देता हूँ। हजरत का थोड़ा बयान होगा, उसके बाद चूंकि दारुलूम के उस्ताज हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल साहब तशरीफ लाए हुए हैं, दारुलूम के उस्ताज हदीस, बहुत बड़ी शख्सियत, उनका खिताब सुनना, फिर दुआ हो जाएगी, फिर अपने अपने घर रुख्सत हो जाना। हजरत नबी करीम अलैहि सलाम की एक बात आखिरी बताकर अपनी बात ख़त्म कर। हजरत ने फरमाया, सब एक बार फिर पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नसाई शरीफ की एक रिवायत बयान कर दूं तुम्हारे सामने, इन्ना लिल्लाहि तआला व मलाइकतुहु सय्याहीन फिल अर्ज। जमीन पर करोड़ों फरिश्ते, कितने बोलो? करोड़ों, ला तउद्दु व ला तुहसा, हम शुमार नहीं कर सकते, हमारी ताकत ही नहीं। हम तो अभी यहाँ मोदी नगर जाएं, जरा सा हमें गाड़ी ने ठोकर मार दी तो मौत का भी पता नहीं, जिंदा रहें कि न रहें। हाँ, ये हमारी ताकत है, फिर भी हम अकड़ो मकड़ में पड़े हुए हैं। मियाँ जी हम तो यूं। अरे छोड़ दो मियाँ जी, अब सब छोड़ दो, अब तो तौबा के दरवाजे पर आ जाओ। अल्लाह से कहो, इलाही तू ही तौबा कबूल कर ले, इलाही कब्र में कोई दोस्त नहीं होगा, इलाही कोई बचाने वाला नहीं होगा, इलाही तेरी रहमत होगी तो हम बच सकते हैं। अकड़ खत्म कर दीजिए, तकब्बुर मिटा दीजिए, अरे अपने आप को अल्लाह के सामने सजदे में ले आओ और अपने बड़ों का एहतराम करने वाले बन जाओ। हजरत ने फरमाया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान महशर में अल्लाह अपने नबी से फरमाएंगे, या मोहम्मद इरफा रासक
ए नबी जरा अपना चेहरा तो उठा लीजिए, ए नबी आप मेरे पास आइए। लाडले नबी, हजरत नबी करीम अलैहि सलाम मैदान महशर में फरमाएंगे जिन जिन के नाम मोहम्मद होंगे, या मोहम्मद ए नबी खड़े हो जाइए, जिनके नाम मोहम्मद होंगे वो लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे अरे भाई मैंने तो अपने लाडले नबी को बुलाया है, तुम क्यों खड़े हुए? अरे अरे हमने आपको नहीं बुलाया, वो नबी जो ताइफ की वादियों में पत्थर खाकर भी इस्लाम की दावत देते थे। हाँ हाँ कुर्बान जाओ, हजरत अकदस कारी सिद्दीक अलैहि रहमा पर दीन की खातिर घर घर जाना, ताइफ जाकर पत्थर खाना, फिर भी दुआएं देते रहना, सबके बस की बात नहीं। कारी सिद्दीक साहब बहुत बड़े शायर भी थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, उन्होंने ये शेर फरमाया, दीन की खातिर घर घर जाना, ताइफ जाकर पत्थर खाना, फिर भी दुआएं देते रहना, सबके बस की बात नहीं। कौन है जो दीन के लिए ठोड़ियां पकड़ते हैं और जिसकी ठोड़ी पकड़ते हैं वो उनको पत्थर मारते हैं? वो नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पत्थर खाकर भी कहते हैं ए अल्लाह अल्लाहुम्मा कौमी फाइन्नहुम ला यालमून, ए अल्लाह इस कौम को हिदायत देते, ये हमें जानती नहीं है ये कौम। अल्लाह के नबी ताइफ की वादियों में दुआ फरमाते हैं बस दुआ नहीं देते। वही नबी, उसी नबी को अल्लाह कहेगा जो हजरात पीछे खड़े हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप हजरात आगे तशरीफ ले आए। और माशाअल्लाह स्टेज बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, उलमाए किराम खुसूसन आइम्मा किराम जो है उन हजरात हजरते उलमा ऊपर तशरीफ ले आए, स्टेज पर तशरीफ लाए और नीचे जो खड़े हैं वो यहाँ आ जाए। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह के लिए तशरीफ लाए, अल्लाह की रजा के लिए तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इसका सवाब देगा आपको और पता नहीं कौन सी नेकी आपके, और अल्लाह ताला कबूल कर ले।